कमाल हो गया यार मतलब दो दिन में दो एपिसोड तो यार बहुत ही ज़्यादा होते हैं इतना तो मिर्गी के पेशेंट नहीं करते मैं इतना खुश था अपने आप से कि अभी मैंने एपिसोड निकाला और मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ हद गई कल की बात है कल रात ढाई बजे मैं सो रहा था फिर मैं कहा यार मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं ढाई बजे रात में कौन सोता है ये तो प्रोडक्टिव होने का टाइम है मैं नींद से उठा उठ के यहाँ पे आया बैठा रिकॉर्ड किया मैंने चालीस मिनट और यही सारी बातें करी कि रात में कौन सा होता है मैंने तो प्रोडक्टिव होने का वादा किया था मैंने तो इतना ज्ञान दिया था कि रात में लोग प्रोडक्टिव होते हैं जब शोर नहीं होता जब बाकी जनता सो रही होती है तब आ, असली लोग काम कर रहे होते हैं ये सब बोला मैंने चालीस मिनट बकवास करी और फिर ये जो फोटो बूथ है इस नाम नहीं लेना चाहिए इस कंपनी के लैपटॉप की इसने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि ये वीडियो सही नहीं था तो उसमें ऐसा प्लेबैक का बटन आ रहा है उस पर कट बना आ रहा है चालीस मिनट रिकॉर्ड किया दिखा रहा है वन पॉइंट टू जी बी और प्लेबैक इज़ नॉट अवेलेबल ज़ीरो मिनट्स मैं कल का पूरा टाइम दिया आज का पूरा टाइम दिया पाँच बज रहे हैं शाम के पाँच बीस हो रहे हैं और आई हैव लॉस दैट फुटेज तो आई डोंट इवन रिमेंबर वॉड आई सेट डूड आई रिमेंबर सम ऑफ इट बट मैं सोच के थोड़ी बोलता हूँ तो बोला था उस टाइम पे जो आ, वो तो वापस रिप्लिकेट कर नहीं सकते वो दैट इज़ ऑल लॉस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई मस्ट सेट समथिंग अमेजिंग ऑल्सो चालीस मिनट में आदमी कुछ तो अच्छा बोलता ही है और वो छूट गया अभी खैर रात के ढाई बजे का जो प्रोडक्टिविटी था वो अलग लेवल था वो चला गया है शाम के साढ़े पाँच बज रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठाऊ मैं पाँच बीस हो रहा है इससे समझ में आ रहा ही पता नहीं मतलब इट्स इन्वर्टेड बट यू कैन गेट एन आइडिया दिस मैं झूठ क्यों बोलूँगा टाइम के बारे में आप मेरा क्या जा रहा है इसमें दो बज रहे होते दो बता देता आई डोंट नो मैन इज हार्ड वर्क रियली इम्पॉर्टेंट डज इट वर्क आई नो मैं आराम से सुबह उठ के भी कर सकता था और मैंने वादे ये भी किए थे कि मैं नई टी शर्ट पहनूँगा अगली बार एकदम इसका भी गला टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट द थिंग इज नाट्स मोर इम्पोर्टेंट वॉट आई सेंग और हाउ डू आई लुक कम होज़ मोर कम्फर्टेबल मैं घर पर हूं ना और मैं रात में जब जग रहा था ढाई बजे तब भी मैं यही टी शर्ट पहना था और आप उसमें तो माफ़ कर ही देते ना सोते सोते बंदा उठ के आके अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी यू शुड बी लाइक नेट पेकिंग की ये क्या टी शर्ट पहन ली इसका तो गला गोल ही नहीं है गोल गले से क्या उखाड़ लिया लोगों ने मुझे तो वीनक ही बेटर लगता है मैं तो पहले गोल ख़रीदता हूँ फिर उसको धीरे धीरे करके वीनक बनाता हूँ खैर रेडबुल की भी बातें करी थी मैंने वो भी चली गई हैं बट सी दिस इज़ माई ट्रिक ये थर्मल फ्लास्क है इसके अंदर मैं रेडबुल डाल देता हूँ बर्फ़ डाल देता हूँ और ठंडी रहती है काफ़ी टाइम तक मैं धीरे धीरे पीता हूँ वरना कैन में प्रेशर होता है कि तुरंत ख़त्म करो फिर चला जाता है वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड आई डोंट वॉन्ट दोज़ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ एवरी थिंग आई एम डूइंग इन माई लाइफ इज़ टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट एंड अनहेल्दी रेड बुल का मेरा जो नशा था ना आई यूज टू हैव लाइक सिक्स अ डे एंड देन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक देर वॉज अ लॉन्ग ब्रेक आई सेट कि आई वोंट हैव एनी रेड बुल बिकॉज यार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है इतना शुगर लेना मैं काफ़ी टाइम तक नहीं लिया है एंड देन आई थॉट अब तो मेरी बॉडी रिकवर कर ही गई होगी तो नाउ वी कैन इंजेक्ट इट बैक इन टू द सिस्टम और अब मैं दो तीन ले रहा हूँ दिन में बट प्रॉब्लम ये कि एज भी तो बढ़ती है अबव थर्टी Now आई एम प्रिटी ओल्ड सो अभी मेरा बॉडी सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता मेरी बॉडी सेम तरह से रिएक्ट नहीं करती वाई इज माई बॉडी फीमेल बट वो नहीं करती रियक्ट सेम अभी एक bull पीने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा डिहाइड्रेशन लग रहा है और एक बार तो मैं तीन चार पी ली थी लगातार और गला ऐसा लग रहा था कि चौक हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं कुछ डालूँगा खाने में तो फंस जाएगा यहाँ पर आई डोंट नो वाई एंड इट्स नो शेड ऑन द कंपनी वो तो अपना काम कर रही है बट दे राइट ऑल्सो ऑन द कैन की डेली लिमिट शुड बी वन और टू आई डोंट रिमेंबर वट दिस से बट द थिंग इज़ उसमें इतना शुगर होता है एंड यू नो वॉट दे आर डूइंग इज देयर टेलिंग कि देखो तुमको डेली लिमिट शुगर की गिती होनी चाहिए वॉट एवर फोर्टी ग्राम्स होनी चाहिए हमारे कैन में गिता है फोर्टी ग्राम्स तो देखो एक सही है एक तो इज़ नॉट अनहेल्दी दिस इज विद इन द डेली लिमिट्स बट दगेट कि हम लोग सिर्फ रेडबुल नहीं पीते पूरे दिन में हम और भी चीज़ें करते हैं है ना तो इंसान मतलब खाना खाएगा उसमें शुगर होगा फ्रूट खाएगा उसमें शुगर होगा टॉफी खा ली गलती से उसमें शुगर होगा पचास चीज़ें खाली थोड़ी हमारी डाइट सिर्फ रेडबुल थोड़ी है कि एक कैंड रेडबुल चलो हो गया न्यूट्रिशन नीड्स सारी मीट कर ली हमने तो दैट्स देयर ट्रिक वो मार्केटिंग ट्रिक है दे टेल यू कि तुम्हारे न्यूट्रिशन का इतना पोर्शन हमने कवर कर दिया है यू नो हाउ दो सप्लीमेंट्स कम बट मतलब तुमने कवर कर दिया तो हम थोड़ी ना छः सप्लीमेंट बार खा लेंगे और बाकी खाना जो खाएंगे उसमें अब हमको प्रोटीन पर से ध्यान देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी आई थिंक इट्स इट्स हेल्दी और इट्स बेटर इफ़ यू डू इट इन नेचुरल लाइक फूड फॉर्म और वीगन लोगों का अलग रहता होगा वो करते होंगे कुछ पता नहीं यार वीगन लोगों से मेरी जो लड़ाइयाँ इतने अग्रेसिव इतना मिलिटेंट ग्रुप मैंने और कोई नहीं देखा तुम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बोलो तो उसमें भी लोग इतना गुस्सा नहीं होते जितना वीगन लोग गुस्सा होते हैं एंड द थिंग इज़ ऑल दीज वीगन एक्टिविस्ट यू थिंक दैट डेल हैव बिकॉज दे आर एक्टिविस्ट राइट तो इनके पास तो बहुत कम टाइम होता होगा लाइफ में क्योंकि ये तो एक्टिविज्म करने में लगे हुए हैं ये तो इतने सारे लोग हैं जो जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हैं और जो जैसे अमूल ये बोल रहे थे कि ये जो दूध की कंपनीज हैं ये बड़ी गलत कंडीशन्स में रखते हैं तब दूध निकालते हैं तो इसलिए दूध अच्छा नहीं है है ना गाय को परेशान करते हैं

बट दे डू इट सो पर्सनली एंड दे मेड इट लाइक द लाइफ एम कि भाई इसी बेच चढ़ जाओ हम और कॉमेंट वॉमेंट कर रहे हैं कि हम मैं तुम्हें मार डाल एक बंदा कह रहा है मैं मार दूंगा आगे तुमको मैं यार चिकन तो मार नहीं पाते तुम लोग नॉट दैट इट्स अ गुड थिंग बट एंड मैं जोक यू नो हूँ जोक जो कि हम लोग इतना चिकन खाते हैं कि अभी चिकन हमारे हिसाब से फैमिली प्लानिंग करने लगी तो माई थिंक हुस कि हम लोग ज़्यादा खाते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि खाना चाहिए मैं कह रहा हूँ हम लोग बहुत खाते हैं उस पर भी लोग बुरा मान रहे हैं हम नार जनता को मतलब समझना नहीं है जो का बस गुस्सा करना है तो मैं काय को लडूंगा इसमें तो इसलिए मेरा अभी तरीका ये है कि कोई इंस्टाग्राम पे मेरी बुराई करता है मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ जस्ट ब्लॉक भाई तुमको ये करना चाहिए तुमको पॉजिट ज़्यादा ब्लॉक तुम घटिया कॉमिक ब्लॉक कॉमेडी छोड़ दो ब्लॉक हेलो भाई ब्लॉक न हेलो वाला भाई आई डोंट जनरली ब्लॉक इट्स अ देन आई ब्लॉक नो इंटरेस्टिंग हाउ वैन यू मीट कॉमिक्स जैसे मैं अभी किसी पार्टी में गया था और मैं आई मेट फेलो कॉमिक्स एंड दे मोटिवेटेड मी बाई टेलिंग मी कि वो कितना काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं ये मेरा नया प्रोजेक्ट है मैंने ये कर दिया मैं ये कर दिया मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं यूरोप टूर पर जा रहा हूँ मैं, मैं मेरे पास ढाई सौ रुपये हैं मुझे ये सब बातें को बता रहे तो देट देट मेड मीट वॉट कैन आई डू वॉट इज इन माई हैंड आई कैन डू माई पॉडकास्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ Out of the pressure that they've created on me by telling me their achievements. Also, I'm happy for them. <laughs> when somebody goes to the Europe tour, I'm like, yeah. I like that. I like that that's happening to uh, Indian comics. Because then I'll i And if I like somebody's comedy, then I like them to do well. If I don't like somebody's comedy, I'm like, why is But, yeah. Otherwise, I'm happy. <laughs> so, I met all these people. There's one comic... उज इंटू फिटनेस नाउ इनिशियली क्या होता था ना यार कमीडियंस फिटनेस पे इतना ध्यान नहीं देते थे या फिर लुक्स पे इतना ध्यान नहीं देते वो कहते हम तो कॉमिक है ना हमारी जोक्स पे हमारी बातों में वैल्यू होनी चाहिए और उसी से सब होगा बाकी चीज़ें तो इट डजेंट इवन मैटर एंड इट्स इवन बैटर इफ़ यो अगली इज वॉज वॉट वॉज द ओल्ड थाट कि अगर तुम अगली हो तब तो और ही बढ़िया है वो तुम्हारे चेहरे पर भी हंसेंगे तुम्हारे जोक पर हसेंगे तुम्हें चाल डाल पर हसेंगे तुम्हारी मोटी तोंद पे हंसेंगे सब पे हंस लेंगे बट नाओ दे डोंट वॉन्ट दैट बिकॉज आई थिंक वैन यू बिकम थर्टी यू रियलाइज़ कि हम सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं जीवित हैं और मतलब अपना जिंदा भी रहना है ना यार तो हेल्थ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट डॉक्टर ने अगर बोला वेट कट कर लो या फिर डॉक्टर ने बोला शुगर कम कर लो जैसे मेरा सीन शुगर कम कर लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ये सारी चीज़ें तो ध्यान देनी पड़ती और फिटनेस पर भी ध्यान देना पड़ता है यार मैं आज तक जिम नहीं गया बताओ वेरी सैड ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है मैं उठा लेता हूँ वेट बट गया नहीं कभी Uh, हाँ तो पॉइंट ये था कि मेरा एक कॉमिक फ्रेंड है uh, वो कह रहा था कि वो उसने भी वेट लिफ्टिंग शुरू करी है पावर लिफ्टिंग है ना और वो बहुत अच्छी होती है पावर लिफ्टिंग में बड़ा मज़ा आता है काफ़ी uh, वो एफर्ट जो लगता है इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ऑफेंस वगैरह रिलीज होते हैं दिन अच्छा हो जाता है दैट इज़ द बेस्ट वर्कआउट ये सब मुझे सेल करने की कोशिश कर रहा था एंड uh, मैंने बोला कितना उठा लेता तू डेढ़ सौ की लोट आ रहा हूं मैं आजकल और काफी प्रैक्टिस के बाद काफी मेहनत के बाद सीखने के बाद वो डेढ़ सौ पे आया मैं यहां डेढ़ सौ उठा लेता मैं तो अभी गया था जिम कल मैंने दो सौ उठा लिया एक बार में कहता है नहीं क्या बोल रहा है मैं हां सौ दो सौ तो मैं यूं उठा लिया ऐसे बिना कुछ किए मैं तो बेल्ट भी नहीं पहनी और उसका दिमाग खराब हो गया और फिर वो और मेहनत करना शुरू कर दिया तो मेरे झूठ से अगर मोटिवेट हो रहा है कोई तो क्या गलत बात है बोलने दो है ना लोगों ने ऐसी इमेज बना दी मेरी यार in the circuit just because I go to the green room and make jokes and tell like random stories and maybe I want to make the environment um, comedy friendly and light and usme how are lies wrong in that in a comedy context, in a comedy setting how are lies anything but good comedy is funny lies Stephen Wright said और मैं तो यही करता हूँ यार मैं तो प्रैक्टिस ही यही करता हूँ मैं बोल बोल के झूठ देखता हूँ कि कौन सा फनी है और कौन सा बिलीवेबल है जिससे मज़ा है यार स्टोरी टेलिंग अब मेरे साथ अगर नहीं हुआ कुछ अच्छा तो मैं क्या करूँ मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो अब किसी किसी ने हॉस्टल हो, में फेंकी होगी वो क्या कहते हैं वाटर कूलर मैंने नहीं फेंका तो मैं क्या करूँ मैं झूठ ही बनाऊँगा ना तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के बना रहा हूँ झूठ कह रहे हैं तुम झूठे हो भाई बाकी लोगों को बोलो फिर तुम और मैं तो कॉमेडी सेटिंग में कर रहा हूँ कौन सा मैंने अपने घर पे आके बुला के तुमको झूठ बोला तो ग्रीन रूम में मैंने दो तीन झूठ बोल दिए होंगे दो तीन प्रैंक कर दिए होंगे तो अभी इमेज ही बना दी ऐसी कि ये तो झूठ बोलता है पैथोलॉजिकल लायर पैथोलॉजिकल लायर पहली बात तो पैथोलॉजिकल लायर क्या होता है मैंने कौन सा बोल दिया है कि ये ये खून बी पॉजिटिव नहीं है ये पॉजिटिव है बट मैन अंडरस्टैंड तो होता क्या है ना उससे मेरी इमेज ऐसी बन गई माई क्रेडिबिलिटी इज टेकन अ डिप तो ना जब मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ सच बता रहा हूँ कुछ Uh, मेरे पास्ट के बारे में कोई पेनफुल चीज़ बता रहा हूँ एम्पति नहीं मिल रही मुझे हंस रहे हो तीन कॉमिक बैठ के हंस रही हैं सुन तो ले मेरी बात आई एम टेलिंग दैम अबाउट समथिंग आप कुछ शो हो रहा था उसमें मैं कुछ तो बता रहा था अपनी स्टोरी के बारे में बगल में कॉमिक बैठ के हंस रही है <laughs> तेरे साथ ही होगा हा, हाँ 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 लॉलवाट uh, तो फिर अब ऑडियंस जो सामने बैठी है उनको लग रहा है कि इनको पता होगा ये कॉमिक को पता होगा वो अगर हंस रही है तो फिर झूठी है तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा बताओ और वो सच्ची स्टोरी एंड आई डोंट टॉक अबाउट माई पास दैट मच बट दैट डज मीन कि भाई मेरे लाइफ में पेन नहीं है मैं कुछ तो बताया और जनता हंस रही मैंने कहा यार और भी लोगों ने बताई हैं अपनी पेनफुल स्टोरी उन पर तो तुम बड़ी एम्पेथी दिखाते हो मेरे साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है वाई आई यू ट्रीटिंग मी डिफरेंटली जस्ट बिकॉज आई एम यंग I'm not that young actually. But you know, some of the painful stories they are credible if you're old. Old people say कि भाई मेरा इस 20 साल पहले ऐसा हुआ था लोग मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ 20 साल पहले ऐसा हुआ था कोई मान ही नहीं रहा बताओ not fair not cool um, look at my eyes dude look into my eyes and tell me if I'm lying on stage I lie इन स्टैंड आई डू लाई बिकॉज एज अड स्टोरीज इतनी फनी है ही नहीं क्या करोगे कुछ कुछ चीज़ें ट्रू हैं भी बट मतलब आई डोंट बिलीव दैट सेंग कि इट्स फनी बिकॉज इट्स ट्रू हो सकता है बट वो हर चीज़ पर लागू नहीं होता और मेरे साथ तो मैं जब कुछ सच बताता हूँ तो कोई नहीं हंसता तो झूठ ही बताना पड़ता है मुझे और आई फाइंड दैट फनी आर ऑल्सो आई फाइंड वेन द लाइव वर्क इफ इट इज़ फनी इवन इफ इट इज़ नॉट ट्रू देन आई थिंक दैट मेक्स इट फनी अर्थ मैं तो अपने जोक्स में यही ट्राई करता हूँ कि अगर किसी को पता है कोई बात सच है मैं उसकी कॉन्ट्रड्यूटी बात बोल रहा हूँ लेकिन मैं उनको हंसा पा रहा हूँ देट फॉर मी इज एन अचीवमेंट मैं तो यही करने की कोशिश करता हूँ मैं तो ऐसी ही बात नहीं करता हूँ सर एज दिस हैपन यू वैन यू हैव टोल्ड योर फ्रेंड समथिंग लाइक यू टेल योर फ्रेंड फैक्ट फैक्टॉइड और नॉट इवन इट डजेंट हैव टू बी वेरी स्मार्ट बट कुछ भी अगर तुमने सपोज बता दिया कि ये लाइट ईयर जो है ये ये डिस्टेंस का यूनिट uh, है ये टाइम का यूनिट नहीं है क्योंकि लाइट इतने टाइम पे ट्रैवल करती है uh, एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज लाइट ईयर तुमने सपोज बता दिया किसी को एंड एट दैट पॉइंट दैट पर्सन लाइक क्या बात कर रहा है एंड देन दे लर्न राइट एंड देन भाई कुछ दिनों बाद वो घूम के आके तुमको ही बता रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि लाइट ईयर जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है डिस्टेंस का यूनिट है मैं मैं जो मैंने बताया तुझे कहते नहीं मेरी दोस्त ने बताया मैं मैं ही हूँ तेरी दोस्त फिर झूठों मतलब मेरा क्रेडिट घुमा के किसी और के ऊपर चिपका दिया और मुझे ही अन दे मेरी स्टोरी मुझे ही बता रहे हर साल हर बार होता है ऐसा होता है अगर आपके ग्रुप में मुझे नहीं पता होता है कि मेरे ग्रुप में बहुत होता है ऐसा मेरे दोस्तों के साथ ये बहुत होता है क्योंकि मैं ही करता हूँ ये मैं ही उनकी स्टोरी घुमा घुमा के किसी और के नाम से उनके ऊपर चिपका देता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे कर रही थी कि मैंने उसको कुछ तो बताया था कोई आ, किसी बंदे के बारे में कुछ बताया था और वो मुझे क्या सरप्राइज होके बता रही यू नो वॉट हम मैम तीन महीने में पहले मैंने बताया कि नहीं मुझे सना ने बताया तुम दोनों मिलके मेरी क्रेडिट ही चुराते रहो खाली यार चुविंगम बहुत ज हेल्प मी कट वेट अलॉट दिस तो शुगर फ्री च्यूंगम अगर आप ले लें जैसे ये तो हाँ ये भी शुगर फ्री है तो शुगर फ्री अगर आप ले लें च्योइंगम मैं जब वेट कट करने की कोशिश कर रहा था मैं करता ही रहता हूँ बीच बीच में आई वॉज डूइंग इंटरमीडियन फास्टिंग यार कौन मैसेज भेज रहे पागल इंसान बंद कर दोस्तों मैं जब इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहा था तो वट आई वॉज ट्राइंग टू डूज डू इट फॉर अ फ्यू डेज देन गेट बैक टू नॉर्मल मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एक बार में एक महीना इंटरमीटेंट कर रहा हूँ लेकिन थोड़े थोड़े दिन कभी छः दिन कभी सात दिन करता रहता था जस्ट टू सी इफ आई कैन डू इट एंड ऑल्सो टू कीप इट एज अ वेपन समथिंग अप माई स्लीव कि अगर मुझे कभी वेट बढ़ाना है तो फिर बाद में कट कर पाऊँ है न तो मुझे ऐसा लगता था कि बारह घंटे तेरह घंटे आराम से हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा अनईजी होने लगता है और सत्रह घंटे मेरा एम रहता था सोलह सत्रह तो तब तक लगता है कि यार खा ही लेते हैं क्या इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है खाएंगे तो वही खाना चाहिए अभी खाना चाहिए दो तो घंटे बाद खाएँ वो तुम्हारे दिमाग में आने लगता है बट इफ़ यू यूज़ ए च्विंगम और ऐसा नहीं है तुम भर भर के मतलब दस च्विंगम खा जाओ लेकिन अगर तुम तीन गम खा लो दिन में ओवर अ पीरियड ऑफ सिक्सटीन सेवनटीन आवर्स तो इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू कीप द फास्ट ऑन इसमें कैलरी है नहीं शुगर फ्री है और मैंने पढ़ा था तो वो कह रहे हैं कि हाँ तीन गम अगर तुम खा रहे हो दिन में दो या तीन तो दैट्स ओके okay, उससे तुम्हारा फास्ट ब्रेक नहीं होता और भी चीज़ लोग करते हैं कॉफ़ी करते हैं बट दैट दैट डेंट हेल्प मी कीप द फास्ट लॉन्गर दिस हेल्प्स मी अगर तुम ये बैठ के चुंगम चबा रहे हो दस पंद्रह मिनट चबा लिया तुमने द अर्ज टू ईट गोज अवे और अगर तुमने दिन में तीन बार स्ट्रेटिजिकली प्लेस करके कर लिया तो ठीक है क्योंकि नौ घंटे तो मैं सोता ही हूँ तो उसमें कौन सा मुझे फास्ट ब्रेक करने की चुल्ह है नहीं है नौ घंटे ऐसे तो ही निकल गए बचे आठ सत्रह हो गया ना हाँ आठ घंटे बचे तो प्लेस कर लो आठ घंटे में तीन चुविंगम तो इट हैज़ हेल्प मी एंड आई कीप दिस एज अ वेपन बिकॉज मुझे पता है कि कभी कभी अर्ज होती है बहुत ही खाने की मुझे मुझे इतने कॉमिक्स ने ऐसे बोल दिया कॉमिक्स मेरे दोस्त बाकी लोग भी कि यार पाकिस्तानी खाना बड़ा अच्छा है पाकिस्तानी खाना बहुत ही खतरनाक है तुम खाओगे तो उसके बाद तुमको नॉर्मल खाना अच्छा ही नहीं लगेगा इतनी तारीफ कर दी है एंड देव डन मतलब ये सिंगापुर जाके कहीं दुबई जाके या फिर यू जा के जाके खा रहे हैं मैं यू के तो नहीं जा सकता भाई कि मैं खाना खाने रेस्टोरेंट के लिए यू के पहुँच जाऊँ दुबई थोड़ा फिर भी पास है तो अभी कुछ कभी काम पड़ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ मैं दुबई जाऊँगा और पाकिस्ताना पाकिस्तानी खाना खाऊँगा वहाँ पर है ना वो दो तीन रेस्टोरेंट का नाम बता दिया मुझे कॉपर केटल और जो दो तीन बता दिए पहुँच जाऊँगा वहाँ पर खाऊँगा और अगर सच में एक्सपेक्टेशन तो वैसे बहुत हाई कर दी इन्होंने लेकिन अगर ये सच हुआ तो ग्रेट मैं वहाँ पे खाऊंगा उसके बाद मुझे नॉर्मल खाना अच्छा ही नहीं लगेगा फिर मेरा वेट अपने आप कट हो जाएगा या तो ये होगा और या तो मैं वहाँ पे बहुत खाऊंगा उसके बाद बोलूँगा नॉर्मल खाना भी ठीक है लेकिन मैंने वहाँ पे जो वेट पुट ऑन किया होगा उधर उधर जाके तो निकल आएगी घर आऊँगा वापस इंटरमेटेंट करूँगा एक महीने सही कर लूंगा तो इफ़ यू नो दैट यू कैन डू इंटरमेटेंट एंड कट वेट देन आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू टू हैव चीट नॉट जस्ट चीट मील्स बट चीट मंथ्स आई चीट मंथ कि एक महीने हम चीटिंग ही करते रहेंगे लगातार एंड इफ़ यू कैन कम बैक फ्रॉम दैट आई डोंट नो इतना करके कम बैक हो पाएगा बट आई थिंक मैं एक हफ्ते पहल के खा के उसके बाद भी आके वेट कट कर सकता हूँ आई फील लाइक दैट्स माई कॉन्फिडेंस लेट्स यार तारीफ तो लोगों ने बहुत कर दी है और फोटो वगैरह भी भेजी है मुझे एंड आई फील लाइक ये इंटेलिजेंट तो होता होगा ना कि क्या मतलब पाकिस्तानी खाने में कितना फ़र्क होगा थोड़ा फ्लेवर्स का हो सकता है फ़र्क हो बट पंजाब में जो हम खाना खाते हैं सिमिलर ही होगा ना और वो तो बड़ा अच्छा होता है तो फिर आई गेट द आइडिया आई गेट द आइडिया हाउल बी समॉट डिफरेंट बट आई एम वेरी एक्साइटेड और तो तरीके हैं नहीं कोई जाके मैं यू के जाके या अमेरिका जाके खाना खाने के लिए तो नहीं जा रहा और काम पड़ेगा तो ऑफकोर्स फिर तो जाऊँगा ही मैं बट अभी तक तो कुछ पड़ा नहीं बट आई होप जल्दी जाना पड़ेगा Then I'll go ईट देर ऑल्स पाकिस्तान तो नहीं जा सकते Unless कैसे जाओ बेजती कर दो मोदी के अपने पाकिस्तान भेजने वो वाला होता नहीं है ये बोलते रहते हैं खाली करते नहीं वरना मैं चला हूँ आके खा के आ जाऊँ बहुत सारे वीडियोज़ में तुम्हें से <laughs> खाने की बात हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि इन तुमने ये सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे ऑप्शन हैं

उनको लग रहा है तुम्हारे उसूल वाला वीडियो देख के लोग बोलेंगे वाह यार क्या वेजिटेरियन है हम भी ऐसे वेजिटेरियन बनेंगे बल्कि हम तो आज से मीट त्याग रहे हैं इस बंदे ने हमारी आँखें खोल दी डू थिंक दैट गो नो है वेरी लिटिल इम्पैक्ट पीपल गो नोट विल बी ए जोक ओनली बट वॉट इफ इट इज ट्रू और वो दस करोड़ रुपये देने को तैयार है मैं तो ले लूंगा भाई मैं ले लूंगा तो, अगर सपोज आई वॉज वीगन इन ऑल्सो एंड समबडी इज ऑफरिंग मी टेन क्रोज टू ईट अ पीस ऑफ मीट आई ईट इट टेक टेन Then देन उसमें से मैं दो करोड़ यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ अबाउट माई ओपिनियन कि मैंने तो ये जानबूझ के खाया था जिससे पैसे मिले अब इससे मैं इम्पैक्ट करूँगा इसी से इन्हीं का पैसा यूज़ करके मैं मीट ईटर्स को हटाऊँगा या फिर मतलब मीट ईटिंग जो हैबिट है उनको हटा दूँगा. मैं ये इंडस्ट्री को ही रोक दूँगा. एक्टिविज़म करने के लिए तुमको पैसे चाहिए ना लॉयर्स की फ़ीस चाहिए तुमको पीडिया के लिए पैसा चाहिए इसमें लगा दो, दो करोड़ रुपये दैट विल हैव सच लाइक मच मोर इम्पैक्ट देन यू शोइंग योर आइडियोलॉजी की मैं नहीं कर सकता भाई बट ऑल्सो द कैट ये जो वीडियोज़ हैं जब भी लोग बोलते हैं कि हम दस करोड़ रुपये देंगे तुम्हारे चिकन सिर्फ एक चिकन पीस का खा लेने के लिए uh, वो कभी असली में होता भी नहीं है क्यों देगा कोई भाई अगर सच में ऐसा बटने लगे कि हम तुम एक पीस चिकन का खा लो दस करोड़ देंगे तो लोग होटलों में जाना ही मंद कर देंगे रेस्टोरेंट वाला बोलेगा ढाई सौ रुपये चिकन के तो वो कह रहा है कि हमको जब दस करोड़ मिल रहे हैं खाने के तो हम तुमको ढाई सौ देंगे क्यों हम उसी बंदे के पास जा रहे हैं वही देता है पैसे चिकन खाने के पैसे दे रहे हो <laughs> लगान में था ना कि आप बस ये पीस खा लो आप चिकन का और हम आपके लगान को माफ़ कर देंगे समथिंग देट्स ऑफ दिस ईविल ब्रिटिश गाय और बंदा खा लेता है बट वो बहुत दुखी होता है और उसके बाद वो अग्रेशन सारा निकालता है कि इनको हरा दो इनका अहंकार ख़त्म कर दो बट लगान उसने ऑफ भी तो कर दिया भाई इससे सस्ती डील तुमको कहाँ मिलेगी आइडियोलॉजी से इतना छिपा कर रहे हैं लोग इट्स लाइक ओके नो 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 आई वोंट गो देयर आई मिस्ट गो नो गो टूवर्ड्स रिलीजियस टॉपिक बट रिलीजियस टॉपिक नहीं मतलब मैं इक्वेट करने वाला था बट अब नहीं करूँगा क्योंकि आई अंडरस्टैंड की सेंटिमेंट्स कब हर्ट होते हैं वो आपको पता नहीं चल सकता तो फेयर ठीक है बट दैट वॉज द आइडिया मेरे रूम ये पहली बार मैं नैचुरल सन लाइट में कर रहा हूँ नेचुरल सनलाइट लाइट क्या है, मतलब मैं अपनी विंडो के सामने बैठा हूँ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रात में जो मैं करता हूँ विथ रिंग लाइट ऑन इन फ्रंट ऑफ मी उससे काफ़ी अलग है आई थिंक वीडियो क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है Uh, मैं क्यों नहीं करता रात दिन में जनरलीज़ क्योंकि मैं दिन में यार कभी एक्टिव होता ही नहीं हूँ मैं सो रहा होता हूँ या फिर कुछ और कर रहा होता हूँ uh, रात में आई फील लाइक कि टाइम मिल जाता है रिकॉर्डिंग करने का लेकिन आज क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई तो आई हैड दैट प्रेशर तो कहा कि कर लेते हैं इसलिए नेचुरल लाइट में कर रहा हूँ इफ़ आई सी दैट द डिफरेंस इज सो मच कि मतलब क्वालिटी सफ़र कर रही है वहाँ पे वीडियो की तो देन आई फील लाइक दिन में भी ट्राई कर सकते हैं ऑल दो आई थिंक ऑडियो क्वालिटी में तो फ़र्क पड़ेगा नहीं बल्कि आई थिंक रात में बेटर ही होगा क्योंकि और नॉइज़ेस नहीं होती यहाँ पे ट्रेन की जो साम आवाज़ आ रही है या फिर अभी बर्तन घिसने की आवाज़ आ रही है वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी रात में तो ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से तो रात वाली रिकॉर्डिंग ही बेटर है दिन वाली हो सकता है वीडियो क्वालिटी के हिसाब से बेटर हो बट ये शक्ल देख के क्या करोगे तुम यू नो एंड ऑल्सो तुम लोग तो सोते हुए सुनते हो ना मेरा पॉडकास्ट मैंने सु... देखे कॉमेंट्स जब तुमको मेरी बात ध्यान से सुननी नहीं है तुमको सोते हुए लोरी जलानी है मेरी तो मैं लोरी गा देता हूँ मैं क्यों बातें कर रहा हूँ इतनी बंदा कह रहा है मैं सोते हुए सुनता हूँ तुम्हारा पॉडकास्ट <laughs> और फिर भूल जाता हूँ तुमको भी पॉडकास्ट को भी बातों को भी भाई हो सकता है मैं जो बीस मिनट पच्चीस मिनट बात कर रहा हूँ उसमें कुछ वैल्यू का ही बोल लूँ सुन ले भाई दिन में सुन ले है ना नहा के सुन ले जग के सुन ले एकदम जब तू एक्टिव हो तब सुन ले क्या पता कुछ वैल्यू ही निकल जाए उससे लोरी के हिसाब से तो मैं सुरीला भी नहीं हूँ यार मेरी आवाज़ तो तुमको चुभेगी कान में अगर तुम सो रहे हो दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग द प्रोडक्ट यूर यूजिंग द प्रोडक्ट रॉन्ग हाँ आज इसी समय सब मैसेज भेज दो दुनिया भर के जिनका कोई मतलब नहीं है वैसे रेड बुल प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी कर दी प्रोडक्ट दिखाया भी नहीं ऐसे होता है अब उनको नहीं पता या फिर कोई भी कंपनी है अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर रेड बुल है उन्हें मानना ही पड़ेगा ना लेकिन कंपनी इसको प्रमोट नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो चलो मेरी बात मान लोगे तुम लोग क्योंकि मैंने बैक स्टोरी भी बताई है मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत पीता था बट कंपनी इसको मोनिटाइज़ नहीं कर सकती दे डोंट नो कि मैं रे, रेड बुल बोल के हो सकता है शिकंजी पी रहा हूँ अंदर जो कि मैं नहीं पी रहा बट मेरी बातों में भरोसा कहाँ है अभी तो मैंने प्रूव किया जब मेरे सगे कॉमिक नहीं मान रहे मेरी बात तो तुम क्यों मानोगे और स्पॉन्सर क्यों मानेंगे और ये प्रोडक्ट वाले क्यों मानेंगे एक बार तुम्हारी तो क्रेडिबिलिटी छिन जाए ना यार उसके बाद तुम्हें लगता है फकीट अब मैं क्यों ही सच बोलूं वैसे अभी बहुत रिसेंटली किया था पिछला वीडियो इसलिए टू एक्सपेक्ट कि मैं कुछ अपडेट लेके आऊँगा इस गलत इस गलत बट uh, अपडेट क्या है कि मैं बोल रहा था मैं नॉर्म मैकडोनल्ड वाले uh, ब्लू कार्ड जोक्स लिखूँगा और मैंने बारह लिख दिए हैं और इसी स्पीड से अगर चलते रहे तो बहुत जल्दी मेरे पास चार जोक्स होंगे और फिर मेरा पॉइंट मेरा uh, आइडिया ये है कि मैं कॉमिक्स से पढ़वाऊँगा वो और फिर वो वीडियो बना के डाल दूँगा जस्ट मतलब कोई उससे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो लोग नॉम के फैंस हैं वो देखें और बोलेंगे चलो ये लोग भी नॉम टाइप के ही जोक्स लिखने की कोशिश कर मतलब ऑब्वियसली इट वॉन्ट बी द सेम लेवल बट इट इज़ जस्ट अ ट्रिब्यूट फ्रॉम आस बिकॉज मैं जिन कॉमिक्स से बात कर रहा हूँ वो भी नॉम फैंस हैं और मैंने उनको दिखाया अपने गंदे जोक्स ही हैं सर और वो कह रहे हैं कि वो पढ़ देंगे एंड दे आर लाइक दीज आर पॉपुलर कॉमिक्स तो इफ दे आर ओके विद इट देर रियली न फैन्स और इसलिए ही मैंने उनको भी अप्रोच और भी लोगों को मुझे अप्रोच करना है वह आई नो हुआ नॉम फैंस तो मैं धीरे धीरे अभी मैंने दो लोगों से ही पूछा बट मैं और लोगों से पूछूंगा एज आई राइट मोर जोक्स बट दैट इज़ द आइडिया आई एल राइट फोर हंड्रेड एंड टेन ओनली आई एल राइट एंड देन आई एल जस्ट सेंड दीज टू ऑल द पीपल आई नो हु लाइक नॉम ऑल दीज कॉमिक्स और फिर वो पढ़ेंगे दैट इज द एंड वील पुट दैट अप मैं अभी देख रहा, अभी तो थर्टी एथ मे को आने वाला है उनका स्पेशल बट नॉम के स्पेशल की एक एक खासियत वो भी होती थी ना यार कि वो माइक मतलब ऑडियंस तो चाहिए ही टू अंडरस्टैंड कि जब वो जब वो पॉजिज़ भी ले रहे हैं जब वो ब्रेक्स भी ले रहे हैं तो द ऑडियंस इज़ गेगलिंग बिकॉज दे नो कि अभी तक जितनी भी चीज़ें सारी कितनी जूवीनाइल बट सो स्मार्ट तो वो क्वालिटी होम टेम्ड सेल्फ टेप्ड स्पेशल में तो नहीं आएगी बट दैट ऑल्सो टेल्स यू दैट ही हैड एन आइडिया कि वो मरने वाला है आई थिंक नॉम न्यू दैट ही वॉज लाइक नियर डेथ बिकॉज सेल्फ टेप करना अपना पूरा स्पेशल एक घंटे को सेल्फ टेप करना नॉट इज नॉट समथिंग अ कॉमिक वुड एवर वॉन्ट टू डू मतलब लोग अपनी रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहते ऑडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं करना चाहते जब वो जाते हैं ओपन माइक में और उसको सुनना बहुत बड़ा पेन होता है तो फॉर हिम टू रिकॉर्ड हिम सेल्फ डूइंग जोक्स विदाउट एन ऑडियंस फॉर वन आर इज इट टेल्स यू दैट ही रियली थाट दैट ही वेक इट टू वेक इ रियल रिकॉर्डिंग एंड दैट आई मीन इट्स इट सेल्फ इज पेनफुल but he took that pain, he recorded it in Netflix <laughs> cancel show because he talked about Roseanne and Louis CK so the same company is now um, putting this special up I don't know if I want to applaud them or ridicule them because what happened then guys, You you didn't have faith then पॉलिजी टूर पर जब वो कॉमेडी कर रहे थे तब नो बड़ी फिर नेटफ्लिक्स गेम एंड लाइक यार देखो ले लेते हैं बंदर फनी तो है ही और आई एम श्योर की जेन्यून कंसर्न थी उसकी फॉर रोजैन दैट इज़ वाई ही स्पोक फॉर हर रोजैन वॉज नॉट इन द करेक्ट मेंटल स्टेट आफ्टर दैट वालत खराब थी एंड बींग अ फ्रेंड यू नो एंड आई डोंट थिंक ही सेट दैट आई कंडोन द बिहेवियर फुईसी के आई थिंक ही सेड दैट वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार है आई थिंक इज बॉट ही सेड आई मीन नो बडी इज सेंग की लोईसी ने सही काम किया ओबियसली बट पनिशमेंट कौन डिसाइड कर रहा है और पनिशमेंट कब खत्म होगी या फिर कभी ख़त्म नहीं होगी विल द पर्सन नेवर बी एबल टू बी रिहेबिलिटेटेड वॉज द क्वेश्चन आई थिंक इज बॉट ही उज़ ट्राइंग टू वास और तब नेटफ्लिक्स वालों को आइडिया नहीं आया कि अच्छा ये बंदा बंदा जेनवेनी है एंड इसकी मेहनत को क्यों हम कैंसिल uh, कर रहे हैं इवन दो पीपल लाइक द शो एंड इवन दो नेटफ्लिक्स इनिशियली वेरी हैप्पी विद द शो एंड वाई सडनली आफ्टर वन सीजन इट गॉट कैंसल्ड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नॉम्स अपॉलोजी अपॉलॉजी ऑफ हिम कंडोनिंग अपरेंटली कंडोनिंग टू पीपल्स बिहेवियर विच आई एम श्योर ही वॉज नॉट बिकॉज आई सॉ दीडियोज बट उस कंपनी के लिए फिर आ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो नहीं रहती प्लस नेटफ्लिक्स का अगर अभी आप काम देखें जिस तरह से वो स्पेशल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो स्पेशल यार तुम्हारे पीछे अगर सेट बन जाता है एक बार एज अ कॉमिक डू यू एवर परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ सेट डवो परफॉर्म इन अ स्टूडियो सेटिंग नो तो वैन यू डू इज़ इन दैट इज इन दैट टेकिंग यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन आउट ऑफ योर एलिमेंट The one day when you have to be हंड्रेड परसेंट इन योर एलिमेंट डू योर बेस्ट दैट इज द डे तुम मेकअप लगा के स्टैंड अप कब तुम मेकअप लगा के स्टैंड अप करते हो भाई कौन से तुमने ओपन माइक में जाके टचअप करवाया है जोक के बीच में वॉट मेक्स यू थिंक कि जब तुमने आज तक ये कभी नहीं किया तो आज स्टैंड अप स्पेशल में तुम टचअप लगा के करोगे और तुम्हारे पीछे सेट होगा उसमें तुम्हारे प्रेमिस लिखे हुए हैं पीछे सेट है उसमें जो प्रेमिस जोक्स लिखे हुए हैं ऑडियंस को प्रॉप्स चाहिए क्या तुम्हारा स्टैंड समझने के लिए स्टैंडअप इज़ वन थिंग जिसमें तुमको कोई प्रॉप नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए उसमें पीछे प्रेमिस्ट लिखने की दीवार पे पेड़ बनाने की बिकॉज यू हैव अ ट्री जोक किसका आइडिया है ये और क्यों है ये और क्यों नेट नेटफ्लिक्स को सेट के बीच में इतना बड़ा सैंडलियर लगाना पड़ता है टू टेल दैम कि ये ग्रैंड है भाई ग्रैंड बंदे के नाम से हो जाता है ग्रैंड उसके काम से हो जाता है उसकी तुम बॉडी ऑफ वर्क देखोगे हो जाता है कपिल शर्मा पहले ही ग्रैंड है तुम्हें उसके लिए वहाँ पे झूमर और गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है बट कौन समझाएगा तुमको uh, तो वही है यार जब एग्जीक्यूटिवस के पास यही दिमाग नहीं है कि स्टैंड अप इज़ नॉट सेलिंग बिकॉज ऑफ़ द कलर्स एंड बिकॉज ऑफ द सेट बट इट इज़ सेलिंग बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट डीज पीपल आर सेलिंग जो उन्होंने दो दो साल भाग भाग के ओपन माइक में और शोज़ में प्रैक्टिस uh, कर करके और फिनिश कर करके जोक बनाया द वैल्यू इज़ ऑल इन दैट नॉट इन योर सेट आज तक किसी बंदे की मैंने तारीफ नहीं सुनी कि भाई उसका स्पेशल देखा था क्या सोफ़ा था पीछे क्या करेगा तू सोफे का यार जब उसको खड़े हो के ही बात करनी है तूने पीछे चेयर लगा दी बाइक लगा दी क्योंकि बाइक का जोक था अच्छा डेथ का भी जोक था खून कर दे पीछे उसके बैकग्राउंड में एक बंदे को चाकू मरवाने दे सेक्स का भी जोक था जिस बैंडविथ जिस लेवल पे वेवलेंथ पे लोग सोचते हैं उस पर अगर तुम सोचने लगे तो तुम स्टैंड अप नहीं कर सकते एंड तुमने इनको लॉजिस्टिक्स हैंडल करने के लिए दे दिया है अगर तो देन यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ आई मीन आई डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन अगर मुझे कभी कल कोई बोले कि तुम्हें हम दो करोड़ रुपये देंगे <laughs> लेकिन <laughs> तुम्हारे स्पेशल की ऐसी तैसी कर देंगे तो आई थिंक बी ए टफ डिसीजन यू नो इट्स ऑलवेज अ टफ डिसीजन वैन यू आर नॉट इन दैट पोजिशन इट्स वेरी इजी टू कॉमेंट जैसे uh, लोग बोलते हैं कि हम कभी मैंने आज तक जैसे मैंने कभी अल्कोहल प्रमोट नहीं किया आई डोंट प्रमोट अल्कोहल बिकॉज आई आई हैड दैट इश्यू राइट फॉर अ फ्यू इयर्स, फॉर वन वन एंड हाफ ईयर्स आई यूज टू ड्रिंक टकीला एवरी डे तीन चार शॉट मार लेता था रखा रहता था मेरे फ्रीजर में एक बॉटल एक किचन में ये खत्म होता था ये डाल देता था डी कई ऑलवेज ड्रिंक टकीला अलॉट फॉर वन एंड हाफ ईयर्स एटलीस्ट एंड देन आई स्टार्ट हैविंग हेल्थ इशूज तो डॉक्टर ने बोला ये बंद कर दो नहीं तो मर जाओगे और मुझे जिंदा रहने वाला ऑप्शन बेटर लगा मैंने बंद कर दिया सिंस देन इट्स बीन सेवन ईयर्स आई आई हैड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल एंड एंड वेन दीज स्पॉन्सर्स कम कि भाई आप ये हमारी ब्लैक डॉग प्रमोट कर दो या फिर ये हमारी बियर प्रमोट कर दो हमारा नया ब्रूअर ये प्रमोट कर दो माई ओनली थिंक इज आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट दैट बिकॉज इट हैज़ हैड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मी ऐसी और भी चीजें हैं जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं एंड आई एम श्योर यू कैन क्विकली कैच ऑन टू दैट जिससे हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट होती है लोगों की बट लोग प्रमोट करते हैं बट क्योंकि मेरी नहीं हुई है तो मुझे ठीक है मैं ये कर दूँगा मैं कुकुरे भी प्रमोट कर दूंगा मैं तो खाता हूँ अभी भी खा रहा था तो बट एल्कोहल आई वोंट प्रमोट आई वोंट प्रमोट स्मोकिंग तो टोबैको आई वोंट प्रमोट ठीक है द फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट प्रमोट आईव सेट दैट टू माई मैनेजर ऑल्सो सेट दैट टू एवरी वन की कोई अगर ऐड है तो मना कर देना और उसी चीज़ के ही मुझे आते हैं मेरी इमेज ऐसी बन गई है कि ये बंदा एल्कोहल प्रमोट कर देगा तो चल जाएगा सही रहेगा और इससे कुछ नहीं करवा सकते पेन पेपर नहीं करवा सकते लिखता तो नहीं होगा पढ़ा लिखा नहीं होगा किताब नहीं करा कर सकते प्रमोट हेल्थ ड्रिंक नहीं करा कर सकते हेल्दी नहीं लग रहा इससे अल्कोहल प्रमोट करा दो तो मेरे को ऑप्शनस ही जो आते हैं वो सारे यही होते हैं कि सर हमारी एक बियर है इसको प्रमोट कर दो और मैं मना करता रहता हूँ बट नाव हेज़ द डिफरेंस मेरे पास ऑप्शनस ही कितने मेरे पास दो एड आते होंगे कभी साल में ठीक है कि ये प्रमोट कर दो मतलब आई एम नॉट अ बिग सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तो मेरे लिए इन चीज़ों को मरना मना करना आसान भी है क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ तो मेरा और बाकी का काम नहीं छिन रहा क्योंकि है ही नहीं और काम मैंने एक चीज़ मना कर दी दैट्स इट बे मतलब एट माई लेवल आई कैन से नो टू दिस क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है एट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ पैरल की लोग मजाक उड़ा रहे हैं अक्षय कुमार का कि इसने तो गुटके के लिए पहले बोला था कि हेल्दी नहीं है मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा बट अब ये मना कर रहा है अब मतलब अब ये प्रमोट करने के लिए तैयार हो गया तो क्या क्या हुआ ये बट थिंग इज़ अगर उसने ऐसी कोई चीज़ मना नहीं करी राइट right? अगर उसने मना कर दिया एन उसकी वजह से उसके और आ, काम इफ़ेक्ट हो रहा है तो देन आई कॉन्ट कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एम आई हैव नेवर बीन इन दैट पोजिशन आई डोंट अंडरस्टैंड इट बट मे बी होता होगा यार क्या पता कि गुटके कंपनी वाले जो लोग हैं दे आर कनेक्टेड टू सो मेनी अदर थिंग्स और उन्होंने बोला ठीक है तुम ये गुटका वाला काम नहीं करोगे तो तुम्हारे वो दो शो भी कैंसिल हैं जो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं वॉट एवर तो आई डोंट नो हाउ इट अफेक्ट देम और बहुत पैसा दे रहे हैं आई एम श्योर एंड आई एव नवर सेट नो टू सो सो मच मनी सो आई कॉन्ट रियली बी इन दैट पोजिशन टू से मैं तो मना कर देता आई थिंक राइट हूँ कि मैं मना कर देता लेकिन हु नोज हु नोज एंड ऑल्सो वो पर्सनल उसका ओपिनियन है अगर कोई बंदा ऐसे बोल देगा कि गुटका मैं खा रहा हूँ और वो सपोज आई एम अमिताभ बच्चन मैं गुटका खा रहा हूँ The, not नॉट ऑल द of ऑफ अमिताभ बच्चन अर दाई अरे ये खा रहे हैं सर तो मुझे भी खाना चाहिए इतना दिमाग तो तुम भी लगा सकते हो ना खुद कि वो अपने पैसे कमाने के लिए कर रहा है लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग और लिखा भी हुआ है नीचे इंजूरियस टू हेल्थ तो अगर तुम इससे अफेक्ट हो के खाने के लिए तैयार हो रहे हो तो नीचे जो लिखा है उससे अफेक्ट हो के खाने के लिए तैयार मत हो फिर कैंसिल भी कर सकती हैं दोनों चीज़ें आपस में तो देखो जिसको खाना है वो खा लेगा एड से फ़र्क नहीं पड़ता पता नहीं मैं यहाँ पे कहाँ कैसे लैंड हुआ आई थिंक वही वो एल्कोहल वाला था बट आई एम सेंग इवन दो आई वुड नेवर स्पॉन्सर एल्कोहल और आई मीन प्रमोट एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आई वोंट जज एनी बडी फॉर डूइंग इट बिकॉज सबका ओपिनियन अपना पर्सनल रहता है और सबका एक्सपीरियंस uh, भी पर्सनल रहा है कुछ एल्कोहल कुछ लोग पीते हैं और उनके लिए आज तक कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है हुआ है तो देयर लाइक like कि हाँ अगर हम नेविगेट कर सकते हैं हम हैंडल कर सकते हैं तो लोग भी कर लेंगे प्लस लोगों को खुद का भी दिमाग होता है हर ऐड देख के तुम चीज़ें खरीदने नहीं पहुँच जाते मैंने लेडिल का बड़ी बार ऐड देखा मैं नहीं गया लेडिल का साबुन लेके झरने में कूदने तो इतना दिमाग तो होता ही है लोगों के यू डोंट पिन ऑल द ब्लेम ऑन द एक्टर हु इज़ डूइंग एन ऐड क्योंकि वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए ही कर रहे हैं रोज़ी रोटी नहीं उनकी तो मतलब एक ऐड में छः सात साल की रोटी हो जाती होगी बट दैट्स द टर्म दैट इज द टर्म वीस है कि वो अपने काम के लिए कर रहे हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू लाइक समबडडी और उसने ऐसा ऐड कर दिया यू गिव दैम द बेनिफिट ऑफ डाउट वो उनका काम है उनको एड करने हैं बिकॉज और किसको देंगे ये कंपनी वाले ऐड पॉपुलर लोगों को ही देंगे एक्टर्स को देंगे क्रिकेटर्स को देंगे सचिन नेवर प्रमोटेड एल्कोहल दैट वॉज हिज ओन डिसीजन बट दैट डजेंट मीन कि अगर विराट ने कर दिया किसी बियर ब्रांड को प्रमोट तो वो बुरा आदमी हो गया भाई वो पीता होगा तुम्हें क्या दिक्कत है और तुम मत पीओ अगर तुमको नहीं पसंद है लेकिन तुमको विराट पसंद है ना उसके काम को प्रमोट करो उसके काम को पसंद करो तुम वो क्रिकेट तो अच्छा ही खेलता है एग्जाम्पल बुरा हो गया क्योंकि इस समय विराट का आई एव हर्ड फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा बट किसका फॉर्म बुरा नहीं हुआ आज तक भाई किसका लीन पैच नहीं आया एंड ये ऑडियंस इतनी फिकल माइंडेड होती है ना ये ऑडियंस ये मॉब मैंटेलिटी जो है ये ऐसे ही स्वय करती रहती है। कल को विराट भगवान था उसने एक महीना अच्छा नहीं खेला और सडनली विराट के मीम्स बनने लगे सेम लोगों ने तो इसलिए इनकी ना तारीफ ध्यान दिल पे लो और ना इनकी गाली दिल पे लो ये लोग आज बुराई करेंगे कल तारीफ करेंगे द लॉयल फैंस विल रिमेन विध यू है ना तो आई फील लाइक विराट वोंट बी एफेक्टेड बाय दिस एज मच क्योंकि वो ध्यान भी नहीं देता होगा बट As a loyal fan of Virat, I mean I want to see him come back. I want to ma uh, see him get on the same uh, form that he was uh, like a couple of years ago. And I feel like जिस तरह की उसकी fitness है, जिस तरह का उसका work ethic uh, है, जितनी मेहनत वो बंदा करता है, वो कर लेगा। उसका हा आ जाएगा एंड देन द सेम फैन हु आर मेकिंग फन ऑफ हिम विल अगेन स्विच बैक ये बिन पेंदी के लोटे ये घूमते ही रहेंगे और वो आ जाएंगे वापस बट अगर मैं होता विराट की जगह उस पर तो मैं तुरंत ईगो पे ले लेता कि साले अभी तो तू मेरी बुराई कर रहा था मैं सारी स्क्रीन रख लेता और कहता तू अब यू का यू आर नॉट माई फैन ये देख तूने मेरी मुझे गाली दी थी जब मेरा फॉर्म ख़राब हुआ था नाव यू आर नॉट अलाउड इन माई स्टेडियम ई एम बट वही फ़र्क़ है मुझ में और विराट में uh, मैं चीप हूँ वो चीप नहीं है <laughs> मैं, मैं पैटी हूँ वो पैटी नहीं है बट एनी वे कोई गिग uh, इन्फो है नहीं कोई अपडेट है नहीं गि का वही सेम चीज़ शोज़ uh, डाले हुए हैं आप बुक माई शो पर देख लेना और जहाँ मैं दिखूँ वहाँ पर आ जाना नए मटीरियल ट्राई कर रहा हूँ और मैं एक शो जो बाहर कर रहा हूँ वो बता दूँगा तो वहाँ पर अगर कोई हो आपका जान पहचान का वहाँ पर भेज देना बाकी जैसे मैंने बोला कि वीकेंड अपडेट भी मुझे बहुत पसंद है आई डोंट वॉन्ट टू रूइन ऑल द बॉडी ऑफ वर्क ऑफ नॉम मेकडॉन बाई डूइंग इट माई सेल्फ बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट तो uh, करने की कोशिश करूँगा मैं बट वील सी रिएक्शंस के हिसाब से डिसाइड करूँगा जनरली मैंने अपने लाइफ में कभी भी लोगों के रिएक्शन के हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं किया क्योंकि वो मेरा खुद का काम था बट अगर मैं नॉम का कोई काम अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो आई फील लाइक अगर लोग बोलेंगे वही तू मत कर तो मैं मान जाऊँगा ना बोलूँगे ठीक है <laughs> क्योंकि वो उसका बॉडी ओवर्क है मेरा नहीं तो या uh, याट्रीब्यूट yeah, वाली चीज़ों में तो आई थिंक लोगों की बात सुन लेनी चाहिए अपना काम जब मैं कर रहा हूँगा ऑरिजिनल जो कि जिससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है तो तुम चाहे बोलो ये घटिया है या फिर तुम बोलो अच्छा मैं करता रहूँगा जैसे जिस तरह के जोक्स मैं करता हूँ मैंने कभी चेंज नहीं किए लोगों की बात सुन के लोगों ने बोला पीजेज मत मारो या फिर ये गूफी जोक्स मत मारो मुझे पसंद है मैं मारूँगा बट अगर नॉर्म वाले में तुम बोलो कि ये वीकेंड अपडेट की कारण मत मारो तुम तो मैं सुन लूँगा और नहीं मारूंगा बट आई एल अटैम्प्ट लेट्स सी लेट्स सी मैन ये कॉन्फिडेंस की बात है मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है बट वन दैट डे कम्स आई विल डू इट चलो ठीक है दिन में करना थोड़ा अजीब था टाइम थोड़ा हम जल्दी निकल गया पता नहीं चला रात में यही चीज़ में ठहराव ज़्यादा होता है आई डोंट नो वाई मे बी दिन की एनर्जी अलग है रात की एनर्जी अलग है मैंने रेडबुल भी पी ली है तो इसलिए वो भी थोड़ा फ़र्क है बट ठीक है इसको सुन के सोने की कोशिश करो तुम लोग और काम ही किया तुमको सोते ही हो जाओ सो जाके Bye.